खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं गए? एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन है, बढ़िया से है ना। वो फिल्मों में नहीं आते थे गौरव चोपड़ा जी, वो जो सीरियल्स में भी आते हैं ना, वो अपने पिछले 2 सालों में ना अपने जीवन के सबसे बुरे दौर के बारे में बात की है और बहुत कुछ बताए हैं। तो क्या खबर है, चलिए आपको दिखाते हैं। गौरव चोपड़ा ने पिछले 2 सालों में अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर के बारे में की बात। कहा, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के नुकसान से नहीं उभर पाया हूं। जी हां, लगभग 2 साल के बाद गौरव चोपड़ा वापस एक्शन में आ गए हैं। चोपड़ा मानते हैं कि महामारी उनके प्रति दयालु नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। इस बारे में उनका कहना है कि पहली लहर मेरे लिए बेहद दुखद थी। मैंने अपने माता पिता दोनों को 10 दिनों में खो दिया। मैं अभी भी उस नुकसान से उभर नहीं पाया हूँ। मुझे नहीं लगता कि नुकसान की भरपाई या इसे कवर किया जा सकता है। मेरे माता पिता मेरे जीवन में इमोशनली इंटेलेक्चुअली और बहुत बड़ी ताकत थे मेरी। जब वे अचानक इस तरह चले गए और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सका, तो यह पीड़ा देने वाला था। आप अचानक खो गए हैं। अभिनेता जिन्हें हाल ही में बच्चन पांडे में देखा गया था और वर्तमान में वे गदर 2 की शूटिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये 2 साल उनके जीवन के सबसे बुरे साल रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने जीवन का वर्णन करता हूँ तो यह मेरे जीवन के 2 सबसे बुरे साल होंगे और मैं अभी भी तनाव से निपट रहा हूँ। यह आसान और खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी भी वही कर रहा हूँ जो मैं अपने करियर के लिए कर सकता हूँ। जबकि उन्होंने उल्लेख किया कि वह वर्तमान में मोस्ट एक्साइटिंग फेज में है। चोपड़ा यह भी स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत उथल पुथल के बावजूद काम के लिए बाहर निकलना मुश्किल था। उन्होंने कहा, जब आप काम करने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए पर्याप्त खुश या मजबूत महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये आसान नहीं है। आप न तो अच्छे दिख रहे हैं और न ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक अभिनेता को अच्छा दिखने और महसूस करने की जरूरत है। समाज पुरुषों को अपनी भावनाओं को अपने काम तक ले जाने की इजाजत भी नहीं देता है। महिलाओं के लिए इसकी अनुमति नहीं है। लोग समझेंगे और सहानुभूति भी देंगे। साल 2022 में जब युद्ध छिड़ जाए तो हम समानता की कितनी ही बात कर लें, पुरुष जा रहे हैं और उसे लड़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, ये है मामले की हकीकत। पुरुषों ने जीवन भर यही किया है, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि यह एक लड़ाई है और मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा। इसने मुझे अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है, स्वास्थ्य के लिहाज से, मानसिक और शारीरिक रूप से। लेकिन मैंने एक तरह से फैसला किया कि आप जो करना चाहते हैं उससे बंद ना करें। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। गौरव चोपड़ा की ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये तो थी गौरव चोपड़ा की खबर दर्शकों, अब आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब हम जाते हैं, लेकर आते हैं नई खबर। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी के दर्शकों।